जय हिंद दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में हर रोज 400 बच्चे डायरिया से मरते हैं और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। कारण पुअर सैनिटेशन। क्या आप जानते हैं भारत में 5 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों में 10 में से 4 बच्चे बौने रह जाते हैं, उसकी वजह पुअर सैनिटेशन। क्या आप जानते हैं एक साधारण क्रिया शौच के बाद साबुन से हाथ धोना डायरिया को 40% कम कर सकता है। क्या आप जानते हैं एक 2013 की यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शौचालय की कमी होने के कारण हर साल 700 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 2014 में हमारे देश की स्थिति क्या थी? एक नेशनल सर्वे के अनुसार हमारे देश में टॉयलेट कवरेज केवल 39% था और आप लोग तो जानते ही हैं सारा देश एक गार्बेज बिन की तरह था। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले में इसी समस्या के बारे में बात करी थी। स्वच्छ भारत, ना जीडीपी की बात करी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, केवल स्वच्छ भारत। और इस अभियान के दो पहलू थे। पहला, नीट और क्लीन हमारा देश, और दूसरा, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन 100%, जिसकी वजह से हमारा देश एक ODF नेशन बनेगा, ओपन डेफिकेशन फ्री नेशन। क्या हम इस अभियान को सफल बना पाए? 2018 की रिपोर्ट के अनुसार एक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपैशनेट इकोनॉमिक्स, उनके द्वारा अंदाज 43% लोग उत्तरी भारत में आज भी शौच बाहर जाते हैं और 40% उन घरों में जहां शौचालय बन गए कम से कम एक आदमी बाहर शौच जाता है। और क्लीन इंडिया की स्थिति तो आप लोग सब जानते हैं, जहां नजर दौड़ाइए वहां कुछ जगहों को छोड़ के गंदगी आज भी पूरी नजर आती है। मुझे इसके 3 कारण नजर आते हैं। पहला, ये अभियान केवल प्रधानमंत्री और कुछ लोगों तक सीमित रह गया, देश में व्यापक रूप तक नहीं हुआ। दूसरा, कुछ आंकड़े नीचे से गलत आए जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट ODF डिक्लेयर हो गया पर कई गांव और घर टॉयलेट से वंचित रह गए। और तीसरा, टीवी पर पॉलिटिशियंस झाड़ू लगाते देखे गए, उसके पहले वहां कूड़ा फेंका गया और ये जग हंसाई का कारण बन गया। पर इसके बावजूद कई सक्सेस स्टोरीज हैं। 2014 से 2019 तक 10 करोड़ से अधिक शौचालय बन चुके हैं। अरविंद झा एक दरभंगा के निवासी हैं। 35 वर्ष बाद 2015 में जब वो अपने गांव वापस लौटे तो उन्होंने चारों तरफ गंदगी देखी। उन्होंने टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का बीड़ा उठाया, लोकल सप्लायर्स, पंचायत, सरपंच और गांव वाले खुद इन सबको एक स्टेक होल्डर बनाया और पहले ही महीने में इन्होंने 100 शौचालय बनवा डाले। उनकी देखा देखी 550 गांवों ने इस मॉडल को अडॉप्ट किया। 105 वर्षीय कुंवर बाई अपनी 8-10 बकरियां बेचकर अपने घर में उन्होंने 2 टॉयलेट बनवाए। फिर दूसरे गांव वालों को प्रेरित किया, उनको दिखाया और वहां भी उन लोगों ने अपने अपने घरों में टॉयलेट्स बनाए। इनको हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फेलिसिटेट भी किया और स्वच्छ भारत अभियान का एक मैस्कॉट बनाया। फेंको मत अभियान,
इसके तहत इस ऑर्गेनाइजेशन ने फेंको मत लिखकर थैले बांटना शुरू किया और लोगों को एनकरेज करना शुरू किया कि गंदगी को थैले में इकट्ठा कीजिए और उसके बाद थैले को डस्टबिन में फेंको। अब तक ये लाखों थैले ऐसे बांट चुकी है। हमारी खुद की संस्था रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान चढ़ावा पंचायत समिति में हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने भागीदारी से टॉयलेट्स बनवाए। हमारा अभी तक ये विचार है कि 2 अक्टूबर 2019 तक 55 गांव ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाएंगे और 2020 मार्च तक 89 गांव ODF हो जाएंगे। 2 अक्टूबर तक 13 गांव प्लास्टिक फ्री हो जाएंगे और 31 मार्च तक 20 गांव प्लास्टिक फ्री हो जाएंगे। ये मैं वन टाइम प्लास्टिक फ्री की बात कर रहा हूं। 2 अक्टूबर तक 37 गांव पूरे स्वच्छ गांव हो जाएंगे और 31 मार्च तक 45 गांव स्वच्छ गांव हो जाएंगे। और ये मेरे को 100% श्योरिटी है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने घर घर जाके कैंपेन किया, एक एक व्यक्ति को गांव में समझाया और एंश्योर किया कि वो इस कैंपेन में 100% भागीदार बने। अब आगे क्या? जब तक हर सरकारी अफसर इसको इम्प्लीमेंटेशन दिल से नहीं करेगा, तब तक सरकारी आंकड़े कुछ बोलेंगे और धरती की वस्तु स्थिति कुछ और होगी। जब तक हर नागरिक स्वच्छ भारत को अपना अभियान नहीं बनाएगा, तब तक इसकी सक्सेस इम्पॉसिबल है। जब तक हर नागरिक देश की स्वच्छता पर अभिमान नहीं करेगा, तब तक हमारा देश गंदगी से भरा रहेगा। बोलो दोस्तों, क्या विचार है? क्या हम लोग इसके भागीदारी बनने को तैयार हैं? और यदि हैं तो आज से इस अभियान को हमें हमारा अभियान बनाना होगा। जय हिंद दोस्तों।